रेगिस्तानी चीटा है ये, काट लेता तो कई दिनों तक दर्द रहता। अब नहीं काटेगा। शुक्रिया। मैं अलादीन और आप? मैं शहजादी जैस्मिन, मतलब शहजादी जैस्मिन की दासी नूरी। शहजादी जैस्मिन की दासी? फिर तो आप उनके बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। हाँ, उनकी सारी चीजों का ख्याल मुझे ही तो रखना पड़ता है। तो क्या ये बात सच है कि उन्होंने आज तक अपने पैर जमीन पर नहीं रखे? और ये भी सच है कि वो आज तक इस महल से बाहर नहीं निकली? तो उनका ये सब करने का मन नहीं करता? तुम्हें क्या लगता है? मैं चलता हूँ। क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? हाँ चलो। लेकिन जल्दी हमारी अंगूठी अगर वापस नहीं मिली तो हमें सुल्तान को बताना ही पड़ेगा। अब वो मेरे नहीं है ना, इसलिए। ये भी मेरे नहीं है इसलिए। हम जुनैद, अलादीन के खास दोस्त। मेरा नाम नूरी है। ये शहजादी जैस्मिन की खास दासी है। शहजादी जैस्मिन की खास दासी? आपने उनको करीब से देखा है? क्या वो बिल्कुल परियों जैसी दिखती है? क्या तुमने कभी उसको छुआ है? क्या वो पिघल गई? शहजादी जैस्मिन कोई मोम की बनी गुड़िया नहीं है। वो भी आपके और मेरी तरह है। उनका भी मन करता है कि वो आसमान को छुए, आजाद हो जाए और जो मन में आए वो करे। बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा वो। मुझे तो बस अपनी खानदानी अंगूठी की फिक्र है। आपको आपकी अंगूठी मिल जाएगी और हमें वो चोर। जाओ ढूंढो उसे, पहले महल के अंदर फिर महल के बाहर। एक बार वो पकड़ा गया फिर ऐसी सजा देंगे हम उसे, महल में आने की जरूरत नहीं करेगा वो। जाओ।
अरे तुम तो अभी कह रहे थे कि सूरज की रोशनी पड़ते ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। इस अलादीन को रजामंद करने के लिए सिर्फ एक रात का अंधेरा काफी है। मुझे ढूंढ रहे हैं, आपको पता चल गया होगा। अरे शहजादी, शहजादी जैस्मिन वहां है अपने अब्बू के पास, वो देखो। कहां जा रहे हम? बहुत भीड़ थी ना वहां, चलो किसी खुली जगह में चलते। बैठो ना। नहीं, ये कपड़े खराब हो जाएंगे। शहजादे होकर कपड़ों की फिक्र करते हो? ये कपड़े मेरे नहीं है ना। तुम सबसे अलग हो, उन जैसे बिल्कुल नहीं। किनके जैसे? दूसरे शहजादों की तरह। वो इसलिए कि मैं शहजादा नहीं हूं। मजाक अच्छा कर लेते हो। मुझे भी करना है। हाँ बहुत आसान है, ये देखिए। क्या शहजादी जैस्मिन भी हमारी और आपकी तरह है? यहाँ इस महल में कदम घुटता है। पर क्यों? सब कुछ तो है उनके पास, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और सबसे जरूरी उनके अच्छे अब्बू, इस रियासत के सुल्तान।
उन्हें तो खुश होना चाहिए। क्या खुश रहने के लिए ये सब काफी है? मेरे पास ये सब होता तो मेरे लिए काफी होता। आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। मेरे लिए ये सब काफी नहीं है। शहजादी जैस्मिन, कहाँ हैं आप? अलादीन, मेरी आंखों में देखो। शुक्र है आप मिल तो गए। आपको पता भी है कि अंदर महल में क्या हो रहा है? क्या बात है नूरी, क्या हुआ? हमारे महल में एक कोई खतरनाक चोर घुस आया है। हमारे महल में चोर? जी। आप जल्दी अंदर चलिए, बाकी बातें बाद में होती रहेगी, कोई भी ठीक नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, मैं पहले आप अंदर चलिए, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। उस चोर का अभी तक कोई पता नहीं चला। कहाँ जा सकता है?
यही है वो चोर। सिपाहियों पकड़ो इसे। मैं चोर नहीं हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, सुनो मेरी बात, मैं चोर नहीं हूँ। तलाशी लो। हुजूर, इसके पास कोई अंगूठी नहीं है। कहाँ है वो अंगूठी? मुझे नहीं मालूम, मैं चोर नहीं हूँ। कौन हो तुम? मैं आप ही की रियासत में रहता हूँ। अलादीन, अलादीन, अलादीन। मैंने अपने लोगों पर यकीन करके उन्हें अपने इस महल के अंदर बुलाया और उसके बदले में तुमने ये किया। तुमने शाही मेहमान के कमरे में जाकर पहले उनके कपड़े चुराए, उनकी खानदानी अंगूठी चोरी की। अलादीन चोरी कर ही नहीं सकता सुल्तान, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अलादीन, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? बताओ इन्हें कि तुमने चोरी नहीं की है। ये सब एक गलतफहमी है, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर कहाँ है मेरी अंगूठी? वो मैंने वापस आपके कमरे में रख दी थी। तो फिर जाओ और वो अंगूठी लेकर यहाँ पर आओ, ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। चल, चल। कहाँ है अंगूठी? मैंने तो इधर रखी थी। एक तो चोरी, ऊपर से झूठ बोलते हो। इधर रखी थी मैंने। चलो। मैंने इधर रखी थी, सच बोल रहा हूँ मैं। मैंने इधर रखी थी, छोड़ो। चल। सुल्तान, कमरे में कोई अंगूठी नहीं मिली। हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, कहाँ है वो अंगूठी? ठीक है, तुम्हें इसकी ऐसी सजा मिलेगी, दोबारा कोई भी ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। हम तुम्हें मौत की सजा सुनाते हैं।